हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज का सेशन, आज की बातें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल जो अपनी क्लास हुई है कैम एंड फ्लावर्स की, मैं उसमें कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। कल मैंने थोड़ा सा, मेरे को नहीं पता था, मेरे पास इसकी फोटोज पड़ी हैं कैम की। तो प्लेट कैम, सिलेंड्रिकल कैम, ट्रांसलेटिंग कैम्प, वेजिटल कैंप और स्पेरिकल कैंप, ये कुछ इस प्रकार से दिखती हैं, ध्यान में रखना। और एक कैम थी हार्ट शेप कैम, तो आप इन सबको ध्यान में रखोगे। पीडीएफ में इसको मैंने लगा दिया है, तो मेरे को लगा आपको, सॉरी, आपको मैं पहले बता दूं, ये जरूरी है आपको बताना, बाई चांस आप ना देखो पीडीएफ को, तो इसलिए आज अपने बात करेंगे, आज अपने बात करेंगे एयर फ्यूल सप्लाई सिस्टम की। किसके बारे में? एयर फ्यूल सप्लाई सिस्टम के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या क्या होता है एयर फ्यूल सप्लाई सिस्टम। और बेसिकली आज अपने पूरे इस टॉपिक में अपने एसआई इंजन को कवर करेंगे, ठीक है। इसमें अपने एसआई इंजन को कवर करेंगे, इसके अलावा अपने फ्यूल इंजेक्टर रह जाएगा सीए इंजन के लिए, वो अलग से पढ़ेंगे। जब अपने सीआरडीआई और एमपीएफआई सिस्टम पढ़ेंगे तब अपने इस चीज को पढ़ेंगे। देखो, आईसी इंजन के अंदर का हिस्सा समझ लिया कि किस प्रकार से आईसी इंजन के अंदर फ्यूल जलाया जाता है, कितने प्रकार से कैसे कैसे जलाते हैं, वो समझ गए। अब अपने मूव ऑन करेंगे बाहर की तरफ। मतलब एक दिल होता है ना, तो आईसी इंजन का सिलेंडर जो है वो पूरी एक पूरे व्हीकल का दिल है। अगर वो नहीं काम करेगा तो व्हीकल नहीं काम करेगा। अब धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलना चालू करेंगे। पहले डिस्कस करेंगे किस प्रकार से फ्यूल की सप्लाई होती है इंजन के अंदर, फिर उसके कूलिंग सिस्टम कैसे होता है, उसका लुब्रिकेशन सिस्टम कैसे होता है, उससे अब धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। कंबशन चैम्बर में कितने प्रकार के होते हैं वो, उसके बाद में उसकी परफॉर्मेंस, फिर अपने बात करेंगे उसके पूरे पावर ट्रांसमिशन के बारे में ऑटोमोबाइल में, उसके बाद में एग्जॉस्ट के बारे में बात करेंगे कि भाई फ्यूल जला दिया अब उसको बाहर कैसे निकाला जाए, वो सब डिस्कस करेंगे। तो समझना इस बात को, पहले समझना जरूरी है, आराम से समझो। फॉर एग्जांपल, अपने कोई कार या बाइक है, अभी अपने ने क्या सीखा, अपने ने आईसी इंजन में फ्यूल को जलाना सीख लिया कि आईसी इंजन में फ्यूल को जलाया कैसे जाता है, उसके पावर कैसे जनरेट होती है, पावर से पूरा जो ऑपरेशन है वो कैसे काम में लिया जाता है, वो सब अपने सीख चुके हैं। आज जो अपनों ने डिस्कस करना है जिस चीज के बारे में, वो है एयर फ्यूल सप्लाई सिस्टम। मतलब बेसिकली एयर फ्यूल सप्लाई सिस्टम ऐसा इंजन के लिए ही होता है, पर आपको डीजल इंजन भी करवा दूंगा, रिस्क नहीं लेंगे, अपने रिस्क फैक्टर नहीं रखेंगे। अब अपने पेट्रोल इंजन को लेकर चल रहे हैं, ऐसा इंजन को लेकर चल रहे हैं, तो सुनते जाओ। फ्यूल है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, अपने जाएंगे इस सिस्टम में पढ़ना क्या, पहले उसके डिस्कस करें। तो इस सिस्टम में अपने को पढ़ना है कि किस प्रकार से एक टैंक से लेके और इंजन के सिलेंडर तक फ्यूल कैसे जाता है, इस चीज को अपने पढ़ना है। अभी सबसे पहला काम फ्यूल को भरना, सॉरी टैंक को भरना, फ्यूल टैंक को भरना, पेट्रोल पंप से भरेंगे। एक स्टेप बाय स्टेप मैं इसको लिखता भी चलता हूं। पेट्रोल पंप पे गए, सबसे पहला स्टेप अपनों ने क्या किया, फ्यूल टैंक अपने को चाहिए होता है जिसमें अपने फ्यूल को इकट्ठा कर पाए। सेकंड, अब फ्यूल में आपको पता है गंदगी मिलती है, तो इसलिए अपने को फ्यूल के लिए फिल्टर भी चाहिए होता है। इंपॉर्टेंट चीजें करवाऊंगा, फालतू की चीजें नहीं करवाऊंगा, ध्यान रखना। एक बात मैं अभी क्लियर कर रहा हूं, बार बार बोलता हूं मैं आपको, मैं जितना भी कुछ करवा रहा हूं ना वो छांट के करवा रहा हूं। अगर आप उसमें से भी कुछ छांटते हो तो वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप ये नहीं कह सकते हो कि आपने जो करवाया था उसमें से कुछ भी नहीं आया एग्जाम में। फ्यूल फिल्टर मतलब अपन ने क्या किया, फ्यूल को फिल्टर कर लिया। यदि अपने बात करें बाइक के बारे में, टू व्हीलर के बारे में, तो आप सभी को एक बात पता है कि टू व्हीलर की टैंकी जो होती है वो ऊपर की तरफ होती है, जो टैंक होता है फ्यूल का वो ऊपर की तरफ होता है जहां अपने फ्यूल को भरवाते हैं। तो इसलिए उस
टू व्हीलर में अपने को फ्यूल पंप की जरूरत नहीं होती कि फ्यूल को कहीं पहुंचाने के लिए, क्योंकि ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण फ्यूल अपने आप कार्बोरेटर तक पहुंच जाता है। परंतु वही बात करें फोर व्हीलर के अंदर, वहां पर अपने को एक फ्यूल पंप की जरूरत होगी ताकि फ्यूल को कार्बोरेटर तक टैंक में से पहुंचाया जा सके। तो एक अपने को चाहिए फ्यूल पंप। इस बात को आप समझ गए होंगे सभी के सभी। चौथा अपने को हिस्सा चाहिए कार्बोरेटर, कार्बोरेटर अपने को चाहिए। कार्बोरेटर चाहिए किस चीज के लिए? तो एयर और फ्यूल को मिक्स करके सिलेंडर में पहुंचाने के लिए अपने को कार्बोरेटर चाहिए। वॉल्यूम आप सभी को सही आ रही होगी, अपने को कार्बोरेटर की जरूरत होगी। फिफ्थ पॉइंट, फ्यूल पाइप की जरूरत है। वैसे ये कोई पढ़ने वाली बात नहीं है इसमें कुछ भी। और सिक्स्थ, अपने को इनलेट मैनिफोल्ड की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा अपने वॉल्व के मतलब वॉल्व तक अपने सिलेंडर तक अपने फ्यूल को पहुंचाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक एक कर सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्यूल टैंक और फ्यूल फिल्टर में कुछ नहीं पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्यूल पंप, और दूसरा है फ्यूल सॉरी कार्बोरेटर। वैसे आपको मैं एक बात बताता हूं, ज्यादातर क्लासेस वाले क्या करते हैं, एयर फ्यूल सप्लाई सिस्टम के नाम पे सिर्फ और सिर्फ आपको कार्बोरेटर पढ़ा के छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होता, जब उन्होंने पूरा सिस्टम के बारे में पूछा गया तब अपने फ्यूल टैंक से इनलेट तक पूरे सिस्टम को पढ़ेंगे, किस प्रकार से सप्लाई की जाती है। वैसे बेसिकली ज्यादातर कार्बोरेटर से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको कार्बोरेटर ही पढ़ाया जाता है, पर ऐसा नहीं है। अपने हर एक मतलब पहलू पे बात करेंगे। सबसे पहले फटाफट देखते हैं फ्यूल टैंक क्या होता है। ठीक है, क्या होता है जिसमें, वैसे बच्चों वाली बात है ये, पर फिर भी लिखवा देता हूं, जिसमें फ्यूल को इकट्ठा करके रखा जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। सेकंड बात है अपने पास फ्यूल फिल्टर की। सेकंड बात अपने पास क्या है फ्यूल के फिल्टर की? फॉर एग्जाम्पल चाय पोनी वगैरह आपने सभी ने देखी होगी, छलनी आपने सभी ने देखी होगी, उस प्रकार से फ्यूल का फिल्टर काम करता है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी गंदगी है जो फ्यूल में, कोई डस्ट वगैरह है, तो वो फिल्टर होके, फिल्टर होने के बाद ही कार्बोरेटर इंजन तक सिलेंडर तक पहुंचे, इसलिए अपने फ्यूल फिल्टर का यूज करते हैं। आजकल आपको पता है कि गंदगी वगैरह आ जाती है, तो अपने फ्यूल फिल्टर का यूज व्हीकल्स में इसी कारण किया जाता है। अभी थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में इसको लिख लो, एक फाइन मेस गेज, मतलब बहुत फाइन, मतलब बहुत छोटी छोटी छन्नी, छलनी कह सकते हो, या आप जो भी आपको अभी वर्ड सही लगे आप वो लिख सकते हो। गेज इज यूज्ड एज ए फिल्टर टू क्लीन द पेट्रोल। वही सिंपल बात है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इन चीजों में। यह बहुत छोटे छोटे कणों को फिल्टर नहीं कर सकता, इस बात को भी आप ध्यान में रखना। यह बहुत छोटे छोटे कणों को फिल्टर नहीं कर सकता है। बस इतनी बात आप ध्यान रखो फ्यूल फिल्टर के बारे में। अब अपने डिस्कस करेंगे मेन जो अपना पॉइंट है फ्यूल पंप के बारे में, एक एक करके उसके बारे में डिस्कशन करते हैं फ्यूल पंप के बारे में। उसके बाद में उसके प्रकार के बारे में देखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज, टाइप्स ऑफ फ्यूल पंप ही है अपने लिए, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में फ्यूल पंप को फ्यूल पंप ही कहा जाता है, तो इसलिए आप उस चीज में कंफ्यूज मत होना।
हेडिंग डालो फ्यूल पंप, हेडिंग डालेंगे फ्यूल पंप। फ्यूल पंप का प्रयोग किस लिए किया जाता है सबसे पहले डिस्कस करें, क्यों फ्यूल पंप का प्रयोग किया जाता है। फ्यूल टैंक से फ्यूल को कार्बोरेटर और इंजेक्टर, जो अपना डीजल के लिए भी फ्यूल पंप यूज होता है, पंप का यूज होता है, इंजेक्टर तक फ्यूल पहुंचाने के लिए, इंजेक्टर में ट्रांसफर करने के लिए किसका, फ्यूल का। तो वही बात मैं लिख देता हूं आपको, फटाफट लिखते हैं इस चीज को, फ्यूल, क्योंकि हर एक बात लिखनी जरूरी है, अभी आप समझ जाओगे परंतु आपको बाद में जाके प्रॉब्लम होगी। का प्रयोग आईसी इंजन में फ्यूल टैंक से फ्यूल को कार्बोरेटर और इंजेक्टर में ट्रांसफर करता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखना। कोई मैंने ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं कही हैं आपको। अगली बात देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कुछ थोड़ा टेक्निकल बात है, तो इसलिए इस चीज को समझना। सामान्यता एस आई इंजन में लो प्रेशर मैकेनिकल फ्यूल पंप यूज करते हैं। लो प्रेशर मैकेनिकल फ्यूल पंप यूज है ना, इस बात को भी आप समझ जाओगे कि सामान्यतः ऐसा इंजन में लो प्रेशर फ्यूल पंप अपने यूज करते हैं। अब अपने बात करते हैं कि क्या हो यदि अपने जो फ्यूल पंप है उसको उसके प्रेशर को ज्यादा हाई कर दे, कि मतलब अपने ने बात की है लो प्रेशर की, पर क्या हो यदि अपने फ्यूल पंप के प्रेशर को ज्यादा हाई करते। तो ध्यान रखना उस चीज से जो इंजन होगा अपना वो रफली वर्क करेगा और वो बहुत ही ज्यादा रिच मिक्सर को यूज करेगा। मैं आपको लीन मिक्सर और रिच मिक्सर के बारे में समझा दूंगा। रिच मिक्सर वो जिसमें एयर और पेट्रोल की मात्रा बहुत अधिक होती है, मतलब अपने इस्तेमाल से ज्यादा मात्रा में अपने अगर किसी मिक्सर को यूज करते हैं तो उसको रिच मिक्सर कहते हैं, और अपने इस्तेमाल से कि गाड़ी को चलाने के लिए जितना इस्तेमाल चाहिए, मतलब जितने मिक्सर का इस्तेमाल चाहिए उससे कम करते हैं तो उसको लीन मिक्सर कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और जब प्रेशर ज्यादा होगा तो एक बात और ध्यान रखना कि सारे का सारा मिक्सर या फ्यूल है वो सही रूप से क्या हो सही रूप से कंबसन या जल नहीं पाएगा, जिससे पोल्यूशन की प्रॉब्लम होगी। इस बात को आप ध्यान रखना, इस चीज को मैं लिख देता हूं, क्योंकि ये दो दो तीन चीजें बातें हैं कि आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि क्या होगा यदि अपने फ्यूल पंप के प्रेशर को बढ़ा दें तो अपने को क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती है, वो सब आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि पेपर बहुत हार्ड आया था 2013 का। तो इस बात को ध्यान रखना। मैं बात करूं यदि फ्यूल प्रेशर इज टू हाई, यदि फ्यूल का प्रेशर क्या हो बहुत ज्यादा उच्च हो, तो इंजन रफली चलेगा, पहली बात तो ये, ठीक है। एंड रिच मिक्सर, रिच एक बार इस टर्म को आप नोट डाउन करके रख लो, आगे अपने इसी के बारे में बात करेंगे कि साइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशो क्या होता है, रिच मिक्सर क्या होता है और लीन मिक्सर क्या होता है, उस चीज के बारे में बात करेंगे। रिच मिक्सर यूज होगा, और बातें करूं इसको पॉइंटों में लिखो, ठीक है। पहला पॉइंट, रिच मिक्सर
यूज्ड होगा। आगे बात करूं तो सारा फ्यूल पूर्ण रूप से कंबसन नहीं होगा, जिससे एयर पोल्यूशन होगा। इस बात को भी आप समझ जाओगे, एयर पोल्यूशन होगा। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन की बात करें अपने। दूसरी कंडीशन क्या कि यदि यदि फ्यूल प्रेशर इज टू लो, यदि फ्यूल का प्रेशर क्या हो, बहुत कम हो, तब अपने पास क्या समस्या आएगी। द इंजन, समस्या क्या है कि मैं वो बता दूं, मैं लिखने पे हो गया था। पहले सबसे पहले तो मिसफायर की समस्या आएगी। मिसफायर की समस्या कैसे है कि अपने को प्रॉपर एक मतलब फ्यूल की मात्रा प्राप्ति नहीं होगी, तो इस कारण से अपने को मिसफायर का समस्या अपने को देखने के लिए मिलेगी। इस बात को आप ध्यान में रखना। सेकंड मोस्ट, जो इंजन होगा वो अपना लीन मिक्सर को यूज में लेगा, तो इंजन में रन लीन मतलब उसको चलने के लिए जितना मिक्सर की आवश्यकता है वो प्राप्त नहीं होगी। पहली बात, सिंपल भाषा में आपको समझाऊं पर टेक्निकल लैंग्वेज में उसको लीन कहेंगे। और सेकंड, मिस फायर की समस्या होगी। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे, इस बात को आप भूलोगे नहीं। अभी तक अपनों ने कुछ बड़ा जोड़ा लंबी जोड़ी रामकथा नहीं गाई है। देखो, मैं लिखने के लिए पहले भी लिख के रख सकता हूं, पर मुझे पर्सनली ना अच्छा नहीं लगता। जब भी मैं किसी से पढ़ता हूं और उसने पहले लिख के रखा होता है ना, तो ऐसा मजा नहीं आता। चलो आगे चलते हैं। नोट डाल के एक चीज लिखो, पहले नाम देखो, साइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशो। वैसे ये आपके पैरामीटर वगैरह में और उन सब में आता है, पर अभी अपने रिच और लीन मिक्सर को यूज कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको अभी समझा देता हूं। आगे चल के भी अपने डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशो का मतलब क्या होता है? ऐसा रेशो जिसमें पूरे फ्यूल को जलाने के लिए, जो भी फ्यूल का मिक्सर है उसको जलाने के लिए जस्ट इनफ एयर की आवश्यकता होगी। ना उससे ज्यादा एयर चाहिए, ना उससे कम एयर चाहिए, मतलब प्रॉपर एक स्टीक एयर की आवश्यकता हो कि जिससे वो फ्यूल जल जाएगा, ठीक है, उसको कहते हैं साइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशो। मैं इस चीज को पहले लैंग्वेज में लिखता हूं, फिर इस रेशो को बताऊंगा ये रेशो कितना होता है। नहीं, पहले रेशो लिख लो, 15:1 या फिर आपको 17:1 देखने के लिए मिलता है। इस बात को ध्यान रखना, एसएससी जेई में तो इससे पक्का एक प्रश्न देखने के लिए मिलता है। लिख देता हूं होता क्या है। पूरे फ्यूल का कंबसन करने के लिए उसमें उपलब्ध जस्ट इनफ एयर, ये थोड़ा सा वर्ड याद रखना, जस्ट इनफ एयर, ठीक है, मतलब ना कम ना ज्यादा, पूरी पूरी एयर के मिक्सर मिक्सर को SAF कहते हैं, मतलब साइकोमेट्रिक एयर एंड फ्यूल रेशो कहते हैं। SAF मैंने नॉर्मल इसमें लिख दिया। अब क्या होगा, अब मेरी बात सुनो। रिच मिक्सर और लीन मिक्सर को टेक्निकल भाषा में समझो आप अभी थोड़ा सा। जो साइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशो है, यदि उससे ज्यादा एयर
यदि एक सेकंड मैं ना कुछ करके आया, एक सेकंड। हाँ तो चलिए, आपने बात कर रहे थे रिच मिक्सर के बारे में कि साइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशो में के बारे में अपनों ने समझ लिया। आप अपने बात करते हैं रिच मिक्सर के बारे में। ऐसा मिक्सर जिसमें साइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशो से या तो फ्यूल अधिक हो या एयर कम हो, उसे अपने क्या कहते हैं, रिच मिक्सर कहते हैं। मतलब रिच का मतलब क्या, अधिक। अधिक मतलब क्या, फ्यूल। याद रखना, रिच मिक्सर में क्या होता है, अपने पास फ्यूल की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। फ्यूल की मात्रा अधिक भी कब हो सकती है, एज कंपेयर टू एयर। कि अपने पास यदि एयर कम है तो ऑब्वियस सी बात है वो फ्यूल जलने के लिए ज्यादा ही है उस एयर के लिए। मानना कि आपको 15 हिस्सा अगर एयर का चाहिए तो 1 हिस्सा आपको फ्यूल का चाहिए। यदि मैं यही बात करूं आपको, फॉर एग्जाम्पल 10 10 हिस्से ही आपको एयर के मिल रहे हैं और 1 हिस्सा आपको फ्यूल का मिल रहा है, तो इसके लिए तो ये फ्यूल ज्यादा ही है ना। तो इसी कारण से वो मिक्सर भी क्या होगा, रिच मिक्सर ही होगा। इस बात को आप समझ गए होंगे, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उस चीज को मैं लैंग्वेज में लिखता हूं, इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं, जो भी बात कर रहा हूं ध्यान में रखना। यदि किसी मिक्सर SAF रेशो, साइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशो, मैंने लिख रखा था वो वही मैं चीज लिख रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेशो से अधिक फ्यूल या कम एयर, यहां पे मैं लिख लो, से अधिक फ्यूल या कम एयर है तो वह रिच मिक्सर होगा। वैल्यू ध्यान रखना कितनी, 12:1 या फिर 10:1 भी हो सकती है, मतलब कम की बात है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखो, फ्यूल की मात्रा तो फिक्स है, आप इस बात को ध्यान रखो कि फ्यूल की मात्रा तो अपने पास फिक्स ही है कि एक एक हिस्सा ही फ्यूल का देना है। 15 हिस्से या 14.7 हिस्से यदि एयर के होंगे तब अपना पूरा पूरा काम चलेगा, कि पूरा पूरा अपना जो फ्यूल है वो जल जाएगा। परंतु मैंने एयर कम कर दी और फ्यूल उतना ही दे रहा हूं, तो ऑब्वियस ही बात है फ्यूल ज्यादा हो रहा है उस मिक्सर के अंदर, तो इसलिए अपने उस मिक्सर को कहते हैं रिच मिक्सर कहते हैं। समझ जाओगे इस चीज में, यार किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बातें ही है ये, दोनों की दोनों ध्यान में रखना। दूसरी ओर मैं बात करूं, यदि अब मैं दूसरी तरफ बात करता हूं, किसी मिक्सर के अंदर कम फ्यूल है या फिर अधिक एयर है तो वो मिक्सर क्या कहलाएगा, लीन मिक्सर कहलाता है। वो चीज मैं लिख देता हूं, यदि यदि किसी मिक्सर में SAF रेशो से कम फ्यूल, फ्यूल मतलब ईंधन, या अधिक एयर है तो कौन सा मिक्सर होगा, तो वह लीन मिक्सचर होगा। इस चीज को अच्छे से मतलब समझ लिया, इसके एग्जाम्पल अपने आगे पैरामीटर वगैरह में आराम से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अपने बात करें इस चीज के बारे में, जैसे 17:1 या फिर 20:1 एक्सेट्रा, कुछ भी आप ले सकते हो, कि यहां पर क्या हो गया, यहां पर एयर की मात्रा बढ़ गई और फ्यूल अपने पास कम हो गया। जलने मतलब फ्यूल को जलने के लिए जितनी एयर चाहिए थी उससे ज्यादा एयर प्राप्त हो रही है और फ्यूल की अपने पास कमी हो रही है, तो इसलिए अपने इस मिक्सर को क्या कहेंगे, लीन मिक्सर कहेंगे। इस बात को भी आप ध्यान में रखना, मतलब पॉइंट टू पॉइंट अपने बात कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हुआ नहीं है। टाइप ऑफ फ्यूल पंप्स अपने कल ही देखेंगे, आज एक दो बातें और करते हैं।
आगे चलते हैं। नोट डाल के लगा लो या मतलब आप किसी भी तरह से लगा सकते हो, जो बात मैंने पहले आपको बताई थी कि उन व्हीकलों में फ्यूल पंप की आवश्यकता नहीं होती जिसका फ्यूल टैंक जो है वो कार्बोरेटर से ऊपर की तरफ रहे, क्योंकि ग्रेविटी के कारण फ्यूल क्या है अपने आप कार्बोरेटर में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मोटरसाइकिल, इस चीज को भी अपने लिखते हैं। उस व्हीकल्स में फ्यूल पंप की आवश्यकता नहीं होती जिसमें फ्यूल टैंक कार्बोरेटर से ऊपर रहे। एक इस बात को ध्यान रखेंगे, और ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण फ्यूल अपने आप कार्बोरेटर तक पहुंच जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपने बात करें तो मोटरसाइकिल, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अपने बी प्रैक्टिकल भी देखते हैं, अपनी लाइफ में भी, डेली लाइफ में भी अपनी ये चीज नोट करते हैं कि जो मोटरसाइकिल का टैंक होता है वो कार्बोरेटर से ऊपर की तरफ होता है, तो ऑब्वियस सी बात है बिना फ्यूल पंप के मोटरसाइकिल के अंदर अपने मतलब कार्बोरेटर तक अपने क्या करते हैं फ्यूल को पहुंचा देते हैं। अच्छा, कुछ टाइप्स लिखो, टाइप्स ऑफ फ्यूल पंप्स। सबसे पहला तो टॉप फीड इसके आगे ही लिखते हैं अपने कि फ्यूल एंटर टॉप से और एग्जिट होगा बॉटम से। इस बात को ध्यान में रखना, एग्जिट होगा किससे, एग्जिट होगा बॉटम से, ध्यान में रखोगे इस बात को। सेकंड अपने बात करेंगे बी नंबर पे तो साइड फीड, ठीक है, एक साइड से एंटर होगा दूसरे साइड से निकल जाएगा। लिख देता हूं इस चीज को भी, एंटर वन साइड और एग्जिट होगा वो अनदर साइड से। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं समझा रहा हूं। सी थ्रोटल बॉडी इंजेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब एक टाइप है ये भी। वैसे ये टाइप बेसिकली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, नॉर्मली ये दे रखे थे तो मैंने लिखवा दिया। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप के फ्यूल पंप पूछे जाते हैं, एक मैकेनिकल और दूसरा इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल में भी दो है, प्लंजर और डायफ्राम टाइप, तो वो दोनों अपने आज नहीं करेंगे, आज मेरे ख्याल से आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, तो अगली क्लास में उस चीज को करेंगे। लोकेटेड डायरेक्टली इन द थ्रोटल बॉडी, इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। तो फ्यूल पंप के बारे में, टाइप्स के बारे में मैं लिख देता हूं, आगे और भी टाइप्स हैं तो उनके बारे में डिस्कस करता हूं। मेन जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ फ्यूल पंप, ठीक है, क्योंकि कल थोड़ा सा लंबी क्लास भी हो सकती है अगली क्लास, क्योंकि अपने को समझाना है इस चीज को। सबसे पहला तो सबसे पहली मैकेनिकल
मैकेनिकल पंप और सेकंड अपने पास है इलेक्ट्रिकल पंप। बिल्कुल, इलेक्ट्रिकल में भी फ्यूल पंप आते हैं। तो आज की क्लास अपने यही समाप्त करेंगे। कल या जो नेक्स्ट क्लास होगी, हो सकता है मैं दो अगली क्लास एक साथ डाल दूं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखा करिए, क्योंकि आधे घंटे की क्लास है, तो वो अपने इन इन दोनों चीज़ों के, इन दोनों टॉपिक को एक साथ करके भी डाल सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है इस चीज़ में, पर आधे आधे घंटे की ही करेंगे। यार मैं लंबा सेशन नहीं लेके जाना चाहता, जिन बच्चों को 1 घंटे पढ़ना है वो 2 क्लासेज में डाल दे करो, वो दो दो क्लासेज देख के 1 घंटा पढ़ सकेंगे। होप सो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, किसी को किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डेली अपने आप की इंप्रूवमेंट, अपने आप में इंप्रूवमेंट कीजिए, अपने आप को देखिए, अपने आप को परखिए, नोट डाउन कीजिए कि आपने कल क्या करना है और आज क्या किया। ये दोनों बातें आपको, आपके पास लिखी हुई हुई होनी चाहिए। होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा सब कुछ। यदि समझ आया, अच्छी लगे, लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपका दिन अच्छा रहे। धन्यवाद।